राम राम सभी भाइयों ने, मैं आपका दोस्त राहुल हाजीपुरिया, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। दोस्तों जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मैं नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगा, नेक्स्ट मुद्दे बात करूंगा। दोस्तों आज का मुद्दा ये है कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जिसको बोलते हैं हम एक्टर बोलते हैं, क्रिकेटर बोलते हैं, वो कोई भी क्रिकेटर महंगाई को लेकर नहीं बात करता, कोई भी गरीब आदमी को लेकर बात नहीं करता, कोई भी गाँव को लेकर बात नहीं करता, कोई भी किसी बात को लेकर नहीं करता। लेकिन वो करते क्या है, सट्टे का लेकर करते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर बड़े एक्टर करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि वो किसी बात करें, गुटके का ऐड करते हैं, गुटके। मैंने सुना है एक एक्टर तो ये कह रहा था कि पीछे एक ऐड है, उसमें मतलब मीडिया को इंटरव्यू में देते वक्त बोल था कि जो पीछे लिखा हुआ है स्वस्थ भारत, मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊँगा। लोगों को जागरूक कर रहा था कि महिलाओं को पैड दे रहा था कि आप जो महवरी महीने की होती है उसमें आप ये लीजिए, गुटका सिगरेट का कह रहा था कि ये मत कीजिए। वही एक्टर चंद रुपयों के लिए, चंद रुपयों के लिए बिक जाते हैं और फिर बोलते हैं कि आप विमल लीजिए, विमल खाइए, बोलो जुबा केसरी। वो एक्टर होते हैं, सेलिब्रिटी उनको बोलते हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम उनको देख के उनको लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं कि वो कैसे चल रहा है, क्या बोलता है, फॉलो करते हैं, क्या पहन रहा है, मूवी देखते हैं उनकी, उनकी मूवी को सुपरहिट कराते हैं, वो हमसे ही पैसा कमाते हैं, लेकिन जनता के लिए वैसा काम नहीं करते। फिर बीच में आएंगे कि मैंने, मुझसे गलती होगी, सॉरी बोल देते हैं और उसके बाद में कुछ डोनेट कर देते हैं पैसा कि भाई मैंने ये पैसा डोनेट कर दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं जो आस्था को लेकर टिप्पणी कर देते हैं, उसके बाद में वो हमसे ही कमाते हैं और हमारे मुँह पर चप्पल से मार देते हैं, फिर भी हम लोग उनको फॉलो करते हैं। ये बंद करना होगा हम लोगों को, इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, ये गलत है। कुछ क्रिकेटर एक्टर लगे पड़े हैं इस वक्त अप्रैल में, आप सब जानते हो कि अप्रैल में क्या होता है, कहते हैं कि इंडिया का त्यौहार है। जो क्रिकेटर होता है, क्रिकेट होता है, उस क्रिकेटर को एक तरीके से छट्टे का रूप दे दिया गया है, सब लोग ऐड करते हैं, करोड़ों रुपए जीतो। अगर ऐसा है तो हमारे देश में 133, 134, 135 करोड़ जनता है, सब लोग लग जाएंगे काम पे, इसी काम पे। माना कि लोग बाग जीतते हैं पैसा, लेकिन उसमें कितने लोग गंवाते हैं ये कोई नहीं जानता। 100 में से एक आदमी जीतता होगा, क्या 100 के 100 आदमी जीत जाएंगे? तो फिर जनता में, फिर जो कंपनियों का ऐड करे तो फिर कौन गरीब रह जाएगा? कोई गरीब नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए जनता को ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि आदमी को गुमराह कर दिया जाता है कि आइए टीम बनाइए, आइए ये खेलिए, आइए वो खेलिए, आइए विमल खाइए, बोलो जुबा केसरी। क्या जुबा केसरी से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। बड़े बड़े दिग्गज एक्टर हैं, बड़े बड़े दिग्गज एक्टर हैं इस चीज़ में कर रहे हैं, हमें इनको नहीं देखना है, हम इनकी मूवी देखते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम उनको फॉलो अप नहीं कर सकते, इससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन पर असर पड़ता है। कल को मेरा बच्चा ही बोलेगा, क्या पापा ये वही एक्टर है, क्या पापा ये वही मूवी है जिसका ये एक्टर हमें बोला था कि बोलो जुबा केसरी, मैं भी खाऊंगा। क्यों खाऊंगा भाई जुबा केसरी, किसने बोला है? हर एक्टर लगा पड़ा है बस सिर्फ चंद रुपयों के लिए। जनता पे क्या असर है? कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं है। कुछ एक्टर तो नंगे हो जाते हैं, कुछ चंद रुपयों के लिए नंगे हो जाते हैं, फोटोग्राफर लग गया, कुछ बोलते हैं कि ये तो उसका फैशन है, उसकी हिम्मत है, कोई हिम्मत नहीं है, सिर्फ बस पैसा है, जनता को बेवकूफ़ बनाना। जनता उठो, जागो, इसी को समझो कि ये लोग हमारे साथ में क्या बेवकूफ़ बना कर रहे हैं। यही हमारा आज का मुद्दा है, इसी पर हम बात करना चाहते हैं आपसे कि आप जागरूक होइए इस चीज़ के बारे में, इनकी बातों में मत आइएगा प्लीज़। मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कैंसर का ऐड जरूर दिखाते हैं लेकिन उसको फॉलोअप ये भी नहीं करते हैं, लेकिन हम जैसे आदमी को झोंक देते हैं उस चीज़ में, आम आदमी को झोंक देते हैं कि जाइए खाइए, विमल खाइए, जाइए टीम बनाइए, बस इसीलिए होता है। तो प्लीज़ मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा ना किया जाए। ये मुद्दा आज का इसी बात का था, जो विषय था इसी बात का है। हम अगली वीडियो में इससे भी बढ़िया मुद्दा लेके आएंगे आप सबके बीच में। इसी के साथ में मैं राहुल हाजीपुरी आपसे अलविदा लेता हूँ, कैमरामैन अभिषेक के साथ में, नमस्कार।